चलेगा, ये हमारा असम है, असम भाषी से चलेगा, मेरा त्रिपुरा में मेरा त्रिपुरा भाषा से चलेगा। आप जैसा आपका ये अनधिकार चल सकता है हाथ मिलिए, इसका परिणति आगे आपका दम, ये नॉर्थ ईस्ट बिजनेस पीपल थिंकिंग, न्यू थिंकिंग लेकर हम लोग आगे बढ़ना होगा। भारत सरकार ने हम लोग को क्या किया आज तक, भारत सरकार ने हम लोग को क्या दिया आज तक नॉर्थ ईस्ट में, और वह घुसपैठिए लोग के लिए प्रोजेक्ट बनाती है, उन लोग का सिक्योरिटी के लिए, उन लोग का पॉलिटिकल राइट्स के लिए, उन लोग का सेफ गट करने के लिए भारत सरकार का चिंता है। हम इंडिया इंडिजिनस पीपल, नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल, ना खाना ना पीना ना सोना ना चैन से सूरत पाली है, अभी आसाम में भी होना वाला है, इसके बाद सारा नॉर्थ ईस्ट में होगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट पीपल लोग आज समझना चाहिए, इंडिया गवर्नमेंट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके हम लोग का इंडिजिनस पीपल लोग को डिवीजन कर रहा है, कह रही है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कैब लागू नहीं होगा, बाहर में लागू होगा। मतलब क्या है, मेरा गौर में घुसपैठिए को घुसने नहीं देगा, मेरा उधर में घुसपैठिए को रखेगा, इसका मतलब क्या है, मेरा गवर्नमेंट घुसने नहीं देगा, मेरा उठान में घुसने देगा, ये उठान भी तो हमारा है, मेरा है, मेरा उठान में अगर घुस भी थे लोग सारे भरपूर हो गए तो मेरा घर क्या सुरक्षा रहेगा, मेरा घर क्या कोई कंफर्टेबल रहेगा। तो हम भविष्य में हम लोग का खतरा लेके आ रही है, इसलिए आसियन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, आसियन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जो लोग अभी ऑर्गेनाइज कर रही है एएसडीसी ऑर्गेनाइजर, तो लोगों को हम सेलेक्ट करता हूँ, ये ब्लैक लोगों को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में एक्सपर्ट करने के बाद भी आसियन कैप को अपना जातीय सिद्ध के लिए अपना मृत्यु के लिए लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए आप लोग सबको फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ। আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিব লাগে, আমাৰ ভূমি ৰক্ষা কৰিব লাগে, আমাৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিব লাগে, আৰু সেইকাৰণে অসম আন্দোলনটোক আমি অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ আন্দোলন বুলি কৈছিলোঁ। আন্দোলন কৰাৰ পিছত কি হ'ল, চৰকাৰে চুক্তি কৰিলে, আমি বিদেশী খেলিবলৈ দাবী কৰিছিলোঁ, চৰকাৰে চুক্তি কৰিলে যে 51-ৰ পৰা 71-লৈকে চৰকাৰী হিচাপ মতে 50-ৰ পৰা 70 লাখ বিদেশী আমি নাগরিক রূপে গ্রহণ করব লাগিব, সেইটো অসম চুক্তিত আপনার সন্নিবিষ্ট করলে, অসমীয়া মানুষ উদার মানুষ, আমি গ্রহণও করল, ঠিক আছে।